नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। बीजेपी के कद्दावर नेता रहे दिवंगत नेता अरुण जेटली की श्रद्धांजलि के मौके पर बिहार के बीजेपी नेता सुशील मोदी ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद दोबारा से हंगामा शुरू हो गया है और ये सवाल खड़े शुरू होने हो गए हैं कि क्या सुशील मोदी पीएम मोदी और अमित शाह के करीबी है या उनकी खिलाफत करते हैं। नीतीश कुमार की जिस तरह से सुशील मोदी लगातार तारीफ पिछले कुछ वक्त से सालों से करते हुए आ रहे हैं, उसने भी एक बार दोबारा बल पकड़ लिया है उस बहस ने भी, क्योंकि सुशील मोदी ने कल दो बयान दिए। सुशील मोदी से जब पूछा गया किसानों के मामले को लेकर कि क्या किसानों का जो आंदोलन है अगर अरुण जेटली जिंदा होते तो क्या यह आंदोलन होता, तो सुशील मोदी ने बड़ा ही अजीब बयान दिया। उन्होंने बोला कि अगर अरुण जेटली जिंदा होते तो वो कुछ ना कुछ हल निकाल लेते, आंदोलन नहीं रहता। इससे साफ हो गया है कि सुशील मोदी अमित शाह और पीएम मोदी को कमतर आंक रहे हैं, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को कमतर आंक रहे हैं और इसी वजह से उन्होंने बयान दिया है कि अगर अरुण जेटली जिंदा होते तो किसान आंदोलन का अब तक हल निकल चुका होता, वो कुछ ना कुछ ऐसा काम करते, ऐसी रणनीति बनाते कि किसान मान जाते और किसान मान जाते तो यह आंदोलन नहीं होता। इसके बाद अब बिहार बीजेपी में लगातार हलचल शुरू हो गई हैं, बयानबाजी शुरू हो गई है। वैसे अभी हाल ही में ये सुना जा रहा था कि सुशील मोदी को केंद्र में बुलाया जा सकता है, मोदी के नज़दीक सुशील मोदी पहुंच सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह के बयान होंगे तो सुशील मोदी की भी जाहिर तौर पर मुश्किलें बढ़ेंगी। वैसे सुशील मोदी ने कल एक बयान और दिया था, उनसे पूछा गया था कि बिहार में जब चुनाव हुए तो उसके बाद क्या नीतीश कुमार ने खुद उन्हें मुख्यमंत्री बनने के लिए बोला था बीजेपी से, या फिर बीजेपी ने उनसे आग्रह किया था कि आपको मुख्यमंत्री बनना चाहिए, या फिर जो वोट मिले हैं बिहार में वो नीतीश कुमार के नाम पर मिले हैं, पीएम मोदी के नाम पर मिले हैं। इस पर सुशील मोदी ने कहा कि बिहार में जो वोट मिले हैं वो नीतीश कुमार के नाम पर मिले हैं, पीएम मोदी के नाम पर नहीं मिले हैं। इस बयान के बाद भी हलचलें शुरू हो गई हैं। उसके बाद में सुशील मोदी ने यह कहा कि बीजेपी ने खुद नीतीश कुमार से बोला था कि वो मुख्यमंत्री बने, नीतीश कुमार का कोई मन नहीं था मुख्यमंत्री, ना ही नीतीश कुमार ने बीजेपी से यह आग्रह किया कि हाँ मुझे मुख्यमंत्री बना दो। तो सुशील मोदी जिस तरह से लगातार बयान दे रहे हैं, जिस तरह से लगातार केंद्रीय जो नेतृत्व है उसकी आलोचना कर रहे हैं और जिस तरह से अब सुशील मोदी ने अरुण जेटली को लेकर बयान दिया है, उससे जाहिर तौर पर सुशील मोदी के साथ साथ बिहार में जो राजनीतिक हलचलें हैं, जो बिहार के बीजेपी नेता हैं उनके बयान आने शुरू हो गए हैं और ये राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या अरुण जेटली वास्तव में, वैसे अरुण जेटली एक अच्छे सुलझे हुए मंझे हुए नेता के तौर पर अरुण जेटली को देखा जाता है, कई बार अरुण जेटली ने इस बात को साबित भी किया है, सुषमा स्वराज भी उसी तरह की नेता थी, तो क्या आज अगर अरुण जेटली होते तो क्या किसान आंदोलन खत्म हो चुका होता, क्या किसानों का जो हल है उनकी जो मांगे हैं वो मान ली जाती। आपको क्या लगता है, क्या आप सुशील मोदी के बयान से सहमत हैं या फिर सुशील मोदी बीजेपी से नाराज़ होकर इस तरह से बयान दे रहे हैं? आपका जो भी मानना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।